भाई फेयर प्लेयर हो ना तुम, फास्ट फास्ट में कोई गड़बड़ी दिक्कतें तो नहीं है ना? नहीं 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 सर। एएमपी और रे भाई ओनली रेड पीसी चेक करेंगे क्योंकि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही रेड रेड रेड। कैसे भी देखा क्या ये कमाल? हाँ मैंने भी देखा है ना, मेरा एक आईडी मेरा बैन हुआ है, बट वो किस रीजन से 5051 हाँ, तो इस आईडी की बात कर रहा हूँ सर मैं। और अगर इसको हम लोग चेक करते तो ये बताता है कि आपका अकाउंट इन्हीं 3 महीने के अंदर बैन हुआ है और वो भी अकाउंट में है कि यूज हुआ है। आपने कहीं सेंसी बाय किया है क्या जहीम ब्रो? हाँ हाँ सर मैंने बाय किया है। थोड़े टाइम बाद आता हूँ मैं, अब सर थोड़ा प्रैक्टिस करके कुछ नॉर्मल में आपको फिर लगे यार फिर आप बैन कर देना, आप पेंडिंग डाल दो। देखो यार मैं बैन नहीं करता हूँ, अगर कोई बंदा यूज भी कर रहा है ना तो मैं उसको भी टाइम देता हूँ कि भाई सुधर जाओ। तो हेलो गाइस, आज हम अपने नॉनस्टॉप गेमिंग से रिलेटेड, तो होता है कि नॉनस्टॉप गेमिंग अपने कुछ दिन पहले सेकंड चैनल पे लाइव कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो लाइव गिल्ट टेस्ट ले रहे होते हैं। तो बेसिकली होता है कि उसके अंदर एक बंदे का 1/4 गिल्ट टेस्ट लेते हैं जहीम नाम का, जिसके अंदर वो एक तरफा ओनली रेड रेड मार रहा होता है और एक तरफा 7-0 से जीत जाता है, जिसके बाद नॉनस्टॉप गेमिंग से डीसी बुलाकर इसका स्क्रीन शेयर करके इसका पीसी भी चेक करते हैं और जिससे पता चलता है कि बंदा थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करता है, जिसके बाद नॉनस्टॉप गेमिंग का क्या रिएक्शन होता है और उनके प्लेयर्स का भी क्या रिएक्शन होता है। चले पहले उससे क्लिप देखते हैं, पता क्या आपसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या रहता है वैसे भाई? फेयर प्लेयर हो ना तुम, पास्ट वास्ट में कोई गड़बड़ी दिक्कतें तो नहीं है ना? नहीं 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 सर, क्योंकि पता नहीं मैं जब भी किसी प्लेयर को टेस्ट के लिए लेता हूँ ना तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेज कर ही देता है। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से तुम एक ही अकाउंट से खेल रहे हो ना? नॉन स्टॉप भाई, तो चेंज किया मतलब? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट है, एक अकाउंट जो था वो मतलब मेरा नहीं था सर, स्टार्टिंग से मेरा अकाउंट मेरे पास नहीं है, वो बंदा था वो बंदे ने मांग लिया। अच्छा चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भाई जहीम भाई अपने यहाँ पे आ चुके हैं, लेट्स सी ये प्लेयर किस तरीके से खेलेंगे, क्या इंच में जगह बना पाएंगे कि नहीं। और गाइस ये बंदा अभी मैच जीतता है तो मैं डायरेक्ट गिल में नहीं लूंगा, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जो एलिगेशन मेरे को दिखी है वो सारी चीजें चेक करेंगे हम लोग और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। एएमपी और रे भाई ओनली रेड यहाँ पे इस प्लेयर। जहीम का गेम प्ले कैसे है फिर देखिए, चेक करने की अगर बारी आएगी यहाँ पे। रे कमाल कहीं ना कहीं खेल तो खतरनाक रहा है यार। चलो जहीम भाई को ऐसा चेक करने के लिए एक रिपोर्ट। हेलो यस, चलो गाइस 0-3 यहाँ पे स्कोर। हाँ मेरे एक दो क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद आपसे, इस गेम के बाद जहीम को बुला के मेरे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हेलो, चलो भाई जबरदस्त खतरनाक भाई को बुला, बट मैं अभी पीसी चेक करेंगे क्योंकि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही रेड 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 रेड, रेड। ये तो मेरा है बट एक्यूरेसी, ये मैंने पहले पहले टेस्टिंग कराया था, आपको पता होगा शायद। हाँ पहले कराया था, पहले तो कुछ भी नहीं था ना गेम पहले तो। हाँ मैंने कराया था एक बार। लो नॉट सो भाई, हेलो 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 मैडक्स ब्रो, क्या हाल चाल, कैसे भी हो देखा आप? क्या कमाल। हाँ मैंने भी देखा। क्या लग रहा है तुम्हारे मैडक्स भाई? हर सब प्लेयर को ये सेंस मिल जाए भाई भाई मत जाएंगे। आज जीरो मार दिया भाई। जीरो भाई, भाई ने वीडियो में बोला है पेड़ से इसे लिए पेड़। अरे ओ माय गॉड, ये उसी का कमाल भाई, है मैडक्स भाई तुम भी ले लो ये वाली सेंसी, अच्छा रहेगा तुम्हारे। नहीं भाई, भाई मुझे जरूरत नहीं है। भाई रेड रेड मारो, आईडी बैन होने के बाद बोलो भाई। जहीम भाई कहाँ रह गए यार? वेट वेट वेट, नॉन स्टॉप भाई एक चीज बता रहा हूँ आपको मैं, आपको लग रहा आपका एक आईडी का है ना, मेरा एक आईडी मेरा बैन हुआ है, बट वो किस रीजन से हुआ है? मेरा रीजन है कि मैंने दूसरा मतलब लाइक वर्जन होता है ना फ्री फायर का, उसमें खेल के हुआ है, ठीक है मेरा उन वर्जन में चेंज हुआ है। हाँ। तो कुछ दिन के लिए होता है ना बैन, क्योंकि अगर अगर यहाँ पे देखा जाए मेरे पास आया है आपका एक आईडी है और वो आपके चैनल पे ही है। और अगर इसको हम लोग चेक करते हैं, अरे भाई मेरे हिस्ट्री दिख गई क्या? फ्री फायर आईडी चेक वेबसाइट, अगर इस पे चेक करते हैं तो रुको देखते क्या आता है, किस वजह से बैन हुई है आपकी आईडी। अच्छा नहीं, हाँ, नहीं, सर्च करो। हाँ तो ये बताता है कि आपका अकाउंट इन्हीं 3 महीने के अंदर बैन हुआ है और वो भी अकाउंट में है कि यूज हुआ है।
इसमें वो नहीं बता रहा है कि तुमने डिफरेंट वो चीज यूज की है, क्योंकि डिफरेंट करता तो शायद ये नहीं बताता, ये हैक तो बताता ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी ना नॉनस्टॉप भाई, अगर ग्लिच फाइल का भी होता है तो होता है ग्लिच फाइल का भी। अरे नॉनस्टॉप भाई वैसे क्या बोलते है, आप ऐसा करो ना अभी पीसी चेक कर लो अभी, वो क्या बोलते है। अरे ये चेक मैंने भी किया हुआ यार, चेक ना मैंने ना लिटरली बहुत टाइम से पीसी चेक बंद किया हुआ है, वो इस वजह से कि प्रॉपर नॉलेज नहीं, कोई किसी को हैकर बोल देता है कोई किसी को, तो मेरे पास प्रॉपर अभी पीसी चेकर नहीं है। बट जो चीज मेरे सामने है अब उसको मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे ये... मेरे पे मेरे पास एक पीसी चेकर है भाई, मतलब एक दोस्त है मेरा, तुम्हारे दोस्त पे हम कैसे यकीन करेंगे ये तो बताओ यार, ये तुम्हारी पुरानी ही। अरे वो बॉस गिल्ड का ही बंदा है ये आईडी, ये वैनिटी नाम का एक बंदा है ना बॉस गिल्ड का, वही चेक करता भाई, है। सुनो जब ड्रेस का ग्लिच फाइल लगाते हैं ना, हाँ हाँ, उस टाइम पे स्टार्टिंग में 3 दिन के लिए आईडी बैन होती है, मेरे को एकदम से परमानेंट नहीं होती है। यार अगर कुछ करते हैं ना तो उधर मेरे को नहीं लगता कि हैक ही बताया गया। देखो मैं नॉनस्टॉप भाई तुम्हारे को एक बात बता रहा हूँ ना, मैं मेरे पास सर खुद का आईडी नहीं है, सबसे पहली बता रहा हूँ, तो अब मैं क्रिएटर हूँ सर, तो मेरे को मॉन्टेज के लिए मेरे को तो कुछ यू ग्लिच फाइल या कुछ अलग कुछ यूज ही करना पड़ता है, फेक आईडी में तो कोई देखेगा ही नहीं सर, कस्टम बंदा तो बोली देगा सीधा भाई तो हैक। यार अब तो मतलब अभी आप मतलब इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकते हो, अभी आपने बोला की नहीं नहीं मैं एक चीज क्लियर कर रहा था अभी आप, अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक वो बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल सर। तो आपने क्या किया अपनी आईडी में? कौन सी आईडी में सर? मेरे फ्री फायर के वर्जन की वजह से भी। फ्री फायर वर्जन कौन सा डाउनलोड किया आपने? मेरा बाहर सर्वर का था, कुछ अलग नेम था उसका, मैं आपको निकाल के बताऊंगा। रुको तो तुम दिखाओ कुछ तुम्हारे पास हो, क्योंकि तुमने तो कुछ ना कुछ बना के रखा होगा ना, क्योंकि जब जब किसी गलत वजह से बैन हो जाती है तो वो, और तुम्हारी आईडी जब वो ओपन करते हो तो उसमें आता क्या है? किसमें? उसी में ये सस्पेंडेड बताता है, टेम्पररी सस्पेंडेड। क्योंकि देखो मैं किसी प्लेयर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट भाई अगर तुम, अरे तो ट्रस्ट कर रहे हो तो ट्रस्ट को बनाना जरूरी है। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ नॉनस्टॉप भाई, अगर आपको लग रहा है भाई आपको आई डोंट नो, आपको बंदे ने बोला है, नहीं वेट वेट वेट, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत से प्लेयर बोल रहे हैं सर, आई नो बहुत से क्रिएटर भी बोल रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि भाई नहीं ये बंदा हैक यूज करता है तो ये चेक कर लेगा एक बार भाई क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन बनता है, क्या मन बनता है हमारा। अच्छा आपने कहीं सेंसी बाइक किया है क्या जहीम ब्रो? हाँ हाँ सर मैंने बाइक किया है। रुक जाओ तो मैं प्रमोशन इधर करना ही चाहता, एक बार मैं सुन लेता हूं, मैं स्ट्रीम का वो बंद कर दे रहा हूं, आप लोगों को सुना नहीं है मैंने, जस्ट इसलिए म्यूट किया था पहले, उससे पहले भी कि बहुत बंदे होते हैं ना यहाँ से जाते हैं सर्च करते हैं चीजें, वो करते हैं वो करते हैं, तो बेसिकली जो भाई ने किया है अभी और भी चेक कर रहे हैं, वो एक चीज है, एक फाइल है जो इमुलेटर की एक्स वाई जो सेटिंग होती है सेंसी होती है, वो तुम कंट्रोल कर सकते हो माउस से। हाँ हाँ अब चलो आगे क्या क्या चल रहा है। कुछ नई चीज है तो हम नहीं चाहते कोई भी बंदा थर्ड पार्टी यूज करे, ऑलरेडी भाई तुम्हारे पास पीसी एमुलेटर है जिसमें तुम बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो और ऊपर से तुम थर्ड पार्टी चीजें भी। ओके नो इशू सर। तो एक एक गेम बिना इसके नहीं खेल सकते हो आप सर? पॉसिबल नहीं होता ना कभी वो, कि फिर प्रैक्टिस की आप बात होती है ना, टाइम लगेगा सर मेरे को, एमुलेटर की जो टाइम लगेगा ना, सेटिंग है वो तुम्हारे लाइक माउस में आ रही है। हां मैं ये नहीं सर ऐसा नहीं है सर, ये नॉर्मल एमुलेटर की आप बात कर रहे हैं, आप कुछ बताइए यार आप पीसी पे खेलते भी हो भाई, कुछ ऐसा चीज यूज कर रहे हैं कि जो एमुलेटर में एक्स वाई है वो इनके माउस में आ गई है और उससे मतलब ओनली रेड रेड मार रहे हैं। कहां दिखाओ ये भाई, तुम दिखाओ खोल के, दिखाओ रुको मैं इसको इधर कर लेता हूं। भाई मैं नर्वस हो गया भाई, मेरे को डर लग रहा है, सब बड़े बड़े यूट्यूबर आ गए मेरे को क्या भाई, चीजें चेक करनी है ना क्योंकि अपनी कम्युनिटी में ये चीजें आगे बढ़नी है। तो ये क्या है? ट्रिक्स साम ट्रिक्स, अरे वो माउस का, माउस का जो सॉफ्टवेयर है ना नया, तो थर्ड पार्टी चीज है और ये थर्ड पार्टी तो है एक तरफ से। अरे फिर ब्रो चेक, थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी तो है, कोई नई चीज है, नया मसाला है कुछ कुछ ना कुछ आते ही रहेगा क्या
खत्म ही नहीं होगा क्या? खत्म, हाँ ये चीजें देखो खत्म तो ये चीजें मेरे को नहीं लगता कभी होने वाली है। ब्लैक बॉक्स आ जाए बस, राइट प्लेस आ जाए तो। हेलो नॉनस्टॉप ब्रो, देखो मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि भाई थर्ड पार्टी ऐप है, अब फिर चेक करके मतलब नहीं है ना, फिर आप गिल्ड में नहीं लोगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है फिर? उसके अलावा देख रहे हैं, उसके अलावा भी है। बट यार तुम एक चीज बोलो, जब तुम बोल रहे हो एक चीज तुम थर्ड पार्टी यूज करके, अरे तुमने डाउनलोड कहां से किया? अरे एक मिनट भाई, तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना कि भाई क्या, रुको मैं माइक बंद कर रहा हूं एक सेकंड ताकि स्ट्रीम पे, कहां से खरीदा है तुमने? चीजों को समझने देखने में समय लगता है ना। अरे थर्ड पार्टी तो प्रूफ हो गया, और अरे मेरे को थर्ड पार्टी तो, अरे नहीं यार कि हां एक चीज है। अब देखो मैं तुम्हें क्लियर बताऊं ना, अगर तुम चाहते हो कि लाइक एज अ पीसी स्पोर्ट्स या ऐसे टूर्नामेंट, क्या लगाया है कि नहीं तो लगाया है, उन सब में थर्ड पार्टी कोई भी चीज अलाउ होती ही नहीं है, चीज बिना लगाए खेल में वो भी। और ये चीज ऐसी नहीं है कि यार चलो तुमने सेंसी किसी से लिया, ये चीज है कि तुम क्रैश हो गया, कुछ गैप गैप हो रहे हैं, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। और ये चीज ऐसी नहीं है कि सेटिंग वगैरह में, ये चीज ना तुम सोचो कि ये चीज रिफ्रेश स्टार्ट करो, हां मैं बोल रहा हूं कि तुम सोचो कि कोई चीज ये पैसों में बेच रहा है। कोई ना, एक दो दिन और देख के मतलब प्रूव प्रूव कर लो जो करना है वो। मैं सोच रहा हूं कि टाइम दो, देखते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं, कैसे ये है, वही बोल रहा हूं मैं। अरे जाइम भाई अभी ज्यादा को पता भी नहीं है, अभी अपने भी एक दो प्लेयर एक बार या स्टार साहब देख लेंगे क्या चीज है क्या नहीं है। अरे जाइम भाई हेलो, शाम ने तो बताया भी है बेटा। हां भाई तुम है ना क्या बोलते है वो मत बोला करो यार बार बार की क्या बोलते है, नहीं भाई छोड़ दो नहीं करवाना भाई, तुम हैकर नहीं हो, प्रूफ कर दो ना, सब लोग चेक कर रहे हैं ना, सब लोग। अरे तो नॉनस्टॉप भाई क्या बोल रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहे हो, बस हम चेक कर रहे हैं, अब तो उसके बाद हमको गिल्ड में तो नहीं लेंगे सर, तो फिर फायदा क्या हो रहा है? मैं यही बोल रहा हूँ ना यार, देखो मैं तुम्हें बोलूं, अरे उन्होंने बोला नॉनस्टॉप ब्रो, मैं क्या हो रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ, मेरा डर लग रहा है यार, मेरा बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। डर क्यों रहे हो? अरे मतलब नर्वस फील हो रहा है मेरे को, नर्वस नॉर्मल नहीं है भाई, यहाँ पे चीजें देख रहे हैं भाई, यहाँ पे किसी को जबरदस्ती, बाकी सब कुछ जबरदस्ती क्लेम करना होता तो मैं तुम्हें आईडी से ही सब चीजें बोल के खत्म कर देता वहीं पे बात, कि तुम्हारा आईडी तुम्हारे ऊपर इतना एलिगेशन है कि तुम थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे हो, पैनल यूज कर रहे हो ना, हाँ बस थर्ड पार्टी चीज जो कही है अभी, बाकी चीजें ने जो चेक करने थोड़े टाइम बाद आता हूँ मैं, अब सर थोड़ा प्रैक्टिस करके कुछ नॉर्मल में, आपको फिर लगे यार फिर आप बैन कर देना, आप पेंडिंग डाल दो। देखो यार मैं बैन नहीं करता हूँ, अगर कोई बंदा यूज भी कर रहा है ना तो मैं उसको भी टाइम देता हूँ कि भाई सुधर जाओ, तो वही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक बंदा ऊपर जाने के लिए बहुत शॉर्टकट ट्राई करता है, तो मैं ऐसा नहीं है मेरी किसी बंदे दुश्मनी भाई, इंसान है गलती सबसे होती है, अगर कोई बंदा गलती भी कर रहा है उसको सुधार लेता है तो ठीक है यार, सही आगे ना करें तो आगे जैसे ना फैले तुम, हाँ अगर बोल तो नॉनस्टॉप ब्रो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ना आपके सिर्फ यूज करने से नहीं है, आज आप यूज कर रहे हो, अगर मैं स्क्रीन पे बोल देता हूं ना ये चीज अलाउ है इसको खेल सकते हो, तो तुम फिर देखो पूरे इंडियन सर्वर में क्या क्या नई नई चीजें आ जाएंगी, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम कुछ भी थर्ड पार्टी ऐसा यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे बोल दूं टूर्नामेंट में ये अलाउ है वो अलाउ है ये करो, जैसे पैनल एक टाइम पे फेल ही जाता, क्या क्या आ जाएगा भाई पैनल के टाइम पे, तो हमें ये डर होता था कि ये डर होता था पैनल के टाइम पे तो कि भाई हम पे और एलिगेशन, अगर बंदा फेयर है उसको किसी ने पैनल बोल दिया, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सबको, सबके पास इन्फॉर्मेशन है, सबको पता चल रहा है कि क्या चीजें होती क्या नहीं, वो चीज तुम ये देखो कि उधर के बड़े बड़े क्रिएटर्स बीएनएल हो गए, विंसेंस हो गए, इन्होंने कॉम्पिटिटिव खेलना इसलिए छोड़ दिया कि हर एक तुम उधर कस्टम रूम खेलोगे सब जगह बंदे खेलते थे, तो क्या तुम भी ये चाहते हो कि इंडियन सर्वर में कोई बंदा ना खेले, मतलब खत्म हो जाए इंडियन सर्वर, कोई खेले ही ना? मैं क्या बोलता हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर खेल रहे हैं अभी भाई, सब लोग खेल रहे हैं, जितने भी टूर्नामेंट में तुम देखोगे वो। अरे नॉनस्टॉप ब्रो हेलो, मैं भाई आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज एक आपके लाइव पे बोल दो कि भाई ये पैनल नहीं है, तो मेरे सब्सक्राइबर डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उनको तो ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी के ये पैनल है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ये देखो, मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ये देखो ये पैनल नहीं है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मान लो जैसे मोबाइल में, जैसे मोबाइल के लिए होगी व्हाइट एफएफ सेंसी,
तो सेम पीसी में भी ये चीज ऐसी है। अब इसका देखना है कि बंदा विदाउट उसके प्रैक्टिस करके भी क्या ऐसे ही खेल पाता है, क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर में होता है कि भाई वो चीजें लगाए ना लगाए, या फिर नॉर्मल भी ट्राई करेगा कि अब इस तरीके से ही खेल ले बंदा। तो बाकी पे नॉनस्टॉप गेमिंग और प्लेयर्स का रिएक्शन तो देख ही लिया, तो फाइनली आपको पता चली कि बंदा थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करता है। तो बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या प्लेयर अनफेयर है या फिर फेयर प्लेयर है इससे रिलेटेड, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में दीजिएगा। और कमेंट में बताइए क्या नॉनस्टॉप गेमिंग को इस प्लेयर को गिल्ड में लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, और क्या बंदे को थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना बंद करना चाहिए या फिर नहीं, इससे रिलेटेड आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।